नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की ओर। लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा न करना महंगा साबित पड़ सकता है। दरअसल रांची नगर निगम ने 50 ऐसे होल्डिंग टैक्स बकायेदार सूची सार्वजनिक की है और उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व वो अपना बकाया निगम में जमा कर ले, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जारी किए गए सूची धारकों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-3 सालों से अपना होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कराया है। नियम अनुसार उन्हें नोटिस जारी किया गया है, लेकिन नोटिस को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। कई लोगों ने सीधे होल्डिंग टैक्स जमा करने से मना कर दिया है। ऐसे में अब रांची नगर निगम उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक मुकेश कुमार रंजन ने बताया कि बकायेदारों को बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं होने के बाद कार्यवाही की जा रही है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 184 के तहत सबसे पहले नोटिस जारी कर उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद उनके अकाउंट को फ्रीज किए जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी वो अपना रकम जमा नहीं करते हैं तो बॉडी वारंट से लेकर कुर्की जब्ती तक का प्रावधान है और जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024। और कुछ ऐसे भी बकायेदार हैं जिनका बकाया लाखों में, हालांकि उन्हें किस्तों में बकाया जमा करने और कई तरह के रिवेट की भी पेशकश की गई है। होल्डिंग टैक्स को लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है निगम को लेकर, निगम से क्या कुछ है मामला सर? होल्डिंग टैक्स जो मतलब इस वर्ष वित्तीय वर्ष या इसके 2-3 साल 5 साल पिछले वित्तीय वर्ष में जो होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको लेकर हम लोग नोटिस जारी किए हैं। उन सबको टाइम दिया गया है कि अपना जमा कर दें इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक 31 मार्च जो कि होता है। और हम लोग 50 बड़े बकायेदारों का लिस्ट भी जारी किया है बकायदा पेपर में, जो पिछले कुछ सालों से जमा नहीं कर रहे और जिनका बकाया राशि बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी टाइम दिया गया है। नहीं तो हम लोग फिर नगर पालिका एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करेंगे आगे। सर, नोटिस जब जब सर्व करने गए थे तो क्या जवाब मिला और किस जिस धारा की बात कर रहे हैं उसमें कार्रवाई कहाँ तक की जाती है? हम लोग नोटिस सर्व कर रहे तो कुछ लोग हैं जो इच्छुक हैं देने के लिए और कुछ लोग हैं जो बड़ा अमाउंट होने के कारण डिनाई भी कर रहे हैं। तो इसमें एक्ट में हम लोग कह सकते कि राशि माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग है कि किस व किस करके वो जमा कर सकते हैं। बाकी यदि धारा 184 का बात किया जाए तो उसमें हम लोग उनका कुर्की कर सकते हैं, अकाउंट सीज कर सकते हैं, बॉडी वारंट भी जारी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके तहत हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो लोगों से अपील होगी सर कि जमा करा कर जो है इस तरह की कार्रवाई से बचे? हाँ, लोगों से अपील है कि जितना जल्द हो सके अपना जमा करें। बाकी फर्स्ट क्वार्टर में यदि कोई जमा करते हैं उन लोगों को रिबेट भी दिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने पे 5% का रिबेट है और फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट करने पे 5% का रिबेट है, तो इस तरह 10% का रिबेट मिल जाता है यदि जून तक वो जमा कर दें। और जून के बाद नहीं जमा करते हैं तो फिर प्रत्येक मंथ 1% का इंटरेस्ट लगता है, तो इससे अमाउंट भी बढ़ जाता है। सर, ये लास्ट डेट कब होगा जमा करने का? इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च है। 31 मार्च तक लास्ट डेट? 21 मार्च तक मैंने जमा। आपका शुभ नाम सर? मेरा मुकेश कुमार रंजन हुआ, सहायक प्रशासक रांची नगर निगम में। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीवीएन 24 न्यूज।